जिस बारह दो हजार बीस के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे जब तक जीना है बाबा को याद करना है याद से ही आयु बढ़ेगी पढ़ाई का सार है याद बाबा समझा रहे हैं जब तक जीना है बाबा को याद करना है याद से हमारी आयु बढ़ती है और पढ़ाई का सार है याद आज के मुल्य का प्रश्न है तुम बच्चों का अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है क्यों उत्तर है क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं इससे बड़ी खुशी और क्या होगी ये रोज की खुशी है इसलिए तुम्हारा अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु ओम शांति ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई भी दे नहीं सकता तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है अभी बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग अंधियारा मार्ग है जैसे रात में सोजरा नहीं होता तो मनुष्य धक्के खाते हैं गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन सत्युग् में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है बाबा आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अभी जानते हो बाकी थोड़ा समय है दुनिया तो बदलने वाली है ये तो गीत भी बने हुए हैं कि दुनिया बदलने वाली है परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं कि दुनिया कब बदलनी है कैसे बदलेगी और कौन बदलाएगा क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है ही नहीं अभी तुम बच्चों को ये तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आधी मध्य अंत को जान गए हो और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रीन है जैसे थोड़ी सी सैक्रिन बहुत मीठी होती है वैसे ये ज्ञान के दो अक्षर मन मनाभव यही सबसे मीठी चीज़ है बस बाबा को याद करो बाबा आते हैं और आ के रास्ता बताते हैं कहाँ का रास्ता बताते हैं सो भी शांति धाम और सुख धाम का तो बच्चों को खुशी होती है दुनिया नहीं जानती कि खुशियाँ कब मनाई जाती है खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान हैं तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई सत्यु का ज्ञान तो कोई में है नहीं इसलिए बेचारे यहाँ ही खुशियाँ मनाते रहते हैं देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी मनाते हैं बाबा तो कहते हैं अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो अर्थात मेरे बच्चों से पूछो क्योंकि बाबा बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो जैसे आशिक माशुक होते हैं ना वे भी धंधा धोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं उनको साक्षात्कार भी होते हैं जैसे लैला मजनू हीर रांझा वो विकारों के लिए एक दो पर आशिक नहीं होते हैं उनका प्यार गाया हुआ है उनमें एक दो के आशिक होते हैं लेकिन यहाँ तो वे बात ही नहीं है यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशुक के आशिक ही रहे हो वे माशुक तुम्हारा आशिक नहीं है तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए हे भगवान नयन हीन को आकर के राह बताओ तुमने आधा कलब बुलाया है जब दुख ज़्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं ये भी गाया हुआ है ना? दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज़्यादा होते जाते हैं तो तुम चढ़ रहे हो और वे और ही उतर रहे हैं क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है इस समय बाबा भी सर्व शक्तिमान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है देखो वह भी जबरदस्त है तुम बच्चे इस समय ब्रह्मामुख मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल इसको कहा जाता है ऊँच से ऊँच कुल इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है इसलिए इस जीवन की संभाल भी करनी चाहिए बाबा क्या कह रहे हैं इस शरीर की भी संभाल करनी है क्योंकि इसी से हमें पुरुषार्थ करना है क्योंकि पांच विकारों के कारण शरीर की आयु तो कमती होती जाती है तो बाबा कहते हैं इस समय पांच विकारों को छोड़कर योग में रहेंगे तो आयु बढ़ती रहेगी आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु डेढ़ सौ वर्ष की हो जाएगी अभी तो नहीं है इसलिए बाप कहते हैं इस शरीर की बहुत संभाल रखनी चाहिए नहीं तो कहते हैं ये शरीर काम का नहीं है मिट्टी का पुतला है ना अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है जब तक जीना है बाबा को याद करना है आत्मा बाबा को याद करती है क्यों याद करती है सो भी वर्षे के लिए बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए नहीं तो नापास हो जाएंगे और बहुत कम पद पाएंगे पढ़ाई में भी मुख्य बात तो ये है जिसको तंत कहा जाता है कि बाबा को याद करो जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले तो ये समझाओ कि बाबा को याद करो क्योंकि वह ऊँच से ऊँच है तो ऊंचे से ऊंचे बाबा को याद करना चाहिए उनसे कम को थोड़े ही याद करना चाहिए कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे तो ये भी पक्का याद कर लो क्योंकि बाबा तो पति पावन है ना वे यही कहते हैं जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो बहुत पतित हो अभी तुम पावन बनो बाबा आकर के बच्चों को समझाते हैं तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं और दुख के दिन पूरे हुए हैं पुकारते भी हो हे दुखता सुखदाता तो जानते हो ना बरोबर सत्यु में सब सुखी ही सुखी हैं तो बाबा बच्चों को कहते हैं सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो ये संगम युग है खवैया तुमको पार ले जाते हैं बाकी इसमें कोई खवैया या नैया की बात ही नहीं है ये तो महिमा कर देते हैं नैया को पार लगाओ अब ये एक ही नैया को पार तो नहीं लग लगाते हैं ना सारे दुनिया की नैया को पार लगाना है ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है उनको पार लगाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी है तुम्हारे लिए सदैव क्रिसमस है जब से तुम बच्चों को बाप मिला है तुम्हारी क्रिसमस सदैव है इसलिए अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है ना देखो ये सदैव खुश रहते हैं क्यों क्योंकि बेहद का बाप मिला है वे हमको पढ़ा रहे हैं तो ये रोज़ की खुशी होनी चाहिए बेहद का बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वाह, अभी कोई ने सुना गीता में भी भगवानु वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग सजनी योग सिखलाते हैं मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो बाबा ने कहा इसमें मुझने की दरकार नहीं है तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना? बाबा ने कहा भागंती तो नहीं होना चाहिए पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है किसी की उत्तम है किसी की मध्यम है और किसी की कनिष्ठ है तो अपने से ये पूछो मैं उत्तम हूँ मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ क्या पूछना है अपने आप से मैं उत्तम हूँ मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे से ऊंचा इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ मैं सर्विस करता हूँ तो बाबा ने कहा यह अपने आप से पूछना है बाप कहते हैं बच्चे सर्विस एबुल बनो बाबा को फॉलो करो क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज़ रोज़ सर्विस करता हूँ क्योंकि रथ भी तो लिया है ना रथ भी मज़बूत अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए तो भी मैं बैठा हूँ तो मैं इनके अंदर में बैठ कर के लिखता भी हूँ ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं अगर ये से नहीं बोल सके तो भी मैं लिख सकता हूँ मुरली नहीं मिस होती है जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली बजाता रहता हूँ बच्चों को लिख कर के भेज देता हूँ क्योंकि सर्विस एबल हूँ ना तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके के सर्विस में लग जाओ बाबा की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मेज सर्विस तो तुम क्या कहेंगे ये मेजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है क्योंकि मेजेस्टी बनाते हैं बाबा हम बच्चों को मेजेस्टी बिना महाराजा बनाते हैं ये भी तुम बच्चे समझ सकते हो बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं तुम बच्चों में भी जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है तो ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं बाबा समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझो भाई भाई को देखो बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं सबको तो बाबा नहीं देखेंगे ये तो ज्ञान है कि शरीर के बग़ैर तो कोई सुन नहीं सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ मैंने ये शरीर लोन लिया हुआ है शरीर तो सबको है शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पड़ रही है तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं देखो बाबा की बैठक कहाँ है सो भी अकाल तख्त पर बाबा ने समझाया है हर एक आत्मा अकाल मूर्त है बाबा क्या कह रहे हैं हर एक आत्मा अकाल मूर्त है वे कभी विनाश नहीं होती ना कभी जलती है ना कभी कटती है और ना ही डूबती है छोटी बड़ी भी नहीं होती है शरीर तो छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका तख्त ये ब्रकुटी है शरीर तो भिन्न भिन्न है किसका अकाल तख्त पुरुष का है किसका तो स्त्री का है और किसका तो बच्चे का है तो जब भी किसी से बात करो तो ये समझो कि हम आत्मा हैं और अपने भाई से बात करते हैं बाबा का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो ये जो जंक लगी हुई है वह निकल जाएगी जैसे सोने में अलाएँ पड़ती हैं तो वैल्यू कम होती है तो तुम्हारी भी अभी वैल्यू कम हो गई है अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं इसको दिवाला भी कहा जाता है भारत कितना धनवान था अभी तो कर्जा उठाते रहते हैं विनाश में तो सबका पैसा ख़त्म हो जाएगा देने वाले लेने वाले सब खत्म हो जाएंगे बाकी जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं वे फिर से आकर अपना भाग्य लेंगे अच्छा मीठे मीठे सिक्किदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी गुड मॉर्निंग बाबा धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं बाबा ने आज हम बच्चों के लिए क्या होमवर्क दिया है पहली पॉइंट है बाबा को फॉलो कर बाबा के समान सदवी सेबुल बनना है अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ अपनी चेकिंग करनी है दूसरी पॉइंट है बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं आत्मों को पढ़ाते हैं ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है और आज का वर्तान है तन की तंदुरुस्ती मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव तन की तंदुरुस्ती मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है बाबा ने क्या समझाया संगम युग पर सदा स्व की स्थिति में रहने से जो तन का कर्म भोग है वो भी सूली से कांटा हो जाता है तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो इसलिए सदा स्वस्थ हो मन मनाभव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों में श्रेष्ठ है ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है ना, संपर्क भी हमारा होली हंसों से है इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः ही प्राप्त है और स्लोगन है याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है याद और सेवा बाबा ने कहा बाबा को याद भी करना है और साथ में बाबा की याद में रह कर के सेवा भी करनी है तो बाबा ने कहा इन दोनों का जब हम बैलेंस करते हैं तो बाबा ने कहा वही बैलेंस रखना डबल लॉक है ओम शांति